नमस्कार सभी साथियों को। साथियों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अपनी जो कंपनी की मारुति सुजुकी कंपनी की जो कार्स बन रही है वो कार्स के कोड क्या रहेंगे। जैसे बलेनो या डिजायर, इन सब के कोड रहते हैं जो हमें, हम जो काम करते हैं प्लांट के अंदर उनमें हम लगभग लोगों को पता होता है, चाहे वो TW हो या कैजुअल हो, क्योंकि हम लगभग गाड़ियों कोड के हिसाब से बनाते हैं। हम ऐसे नहीं बोलते कि वो सियाज आ गई या ब्रेज आ गई, हम उसके कोड के हिसाब से जो हमारा प्लान रहता है हम उसके कोड, उसमें कोड लिखे रहते हैं, हम कोड के हिसाब से ही गाड़ियां बनाते हैं। ठीक है, तो साथियों ये आपको सभी के सभी मैं कोड बताऊंगा अभी कि कौन सी गाड़ियों के क्या कोड रहेंगे और कितने सारे मॉडल हमारे बनते हैं, वो भी आप काउंट करिए कितने सारे मॉडल अपने कंपनी में बन रहे हैं। और उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, शायद काफी लोगों को पता नहीं है, या जो गुड़गांव प्लांट के लड़के हैं उनको नहीं पता होगा, MPT वालों को तो पता ही नहीं होगा क्योंकि वो इंजन बना रहे हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा जो हमारी ग्रैंड विटारा है और जो इनविक्टो है, इनविक्टो जो अभी नई लॉन्च करी थी, इनविक्टो इनविक्टो और ग्रैंड विटारा को मारुति हम बना नहीं रहे हैं, हमारी वो गाड़ी टोयोटा कंपनी बना रही है। इनविक्टो और ग्रैंड विटारा हमारी जो है टोयोटा कंपनी वो गाड़ियां हमारी बना रही है, हम उसकी कुछ गाड़ियां बना रहे हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी जो वीडियो बना रहा हूं, अभी जो वीडियो है अपनी है मॉडल्स के लिए, मॉडल्स के कोड क्या रहेंगे और कितने टाइप के मॉडल बन रहे हैं, कितने मॉडल बन रहे हैं और मॉडल के कोड क्या रहेंगे। जरूरी है कोड, क्योंकि पेपर में आ सकता है कि डिजायर का कोड बताओ या अल्टो K10 का कोड बताओ। ठीक है, वो कोड के ऑप्शन लिखे रहेंगे ABC और उसमें अलग अलग कोड दिए होंगे। अगर आपको कोड पता होगा जब भी आप क्लिक करोगे तो अभी मैं आपको सारे के सारे कोड बता देता हूँ और गाड़ियों के नाम भी देख लेना, नोट कर लेना सारे कोड और कितने मॉडल हमारे अभी प्रेजेंट में बन रहे हैं वो सारे नोट कर लेना। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ। जैसे मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जैसे कोई पुराना ओल्ड मॉडल था वो हमने बंद कर दिया तो वो कोड भी बंद हो गया। जैसे वैगनर अभी 2019 में नई आ गई है तो इसका कोड भी नया आया, तो पुराने वाली का अलग कोड था, इसका अलग है। ठीक है, अभी मैं आपको कोड बता रहा हूँ। जैसे अभी बलेनो का कोड, जो हमारी बलेनो बन रही है गुजरात प्लांट में, ठीक है, अभी बलेनो का कोड रहेगा, बलेनो गाड़ी का कोड रहेगा YTA, बलेनो गाड़ी का कोड रहेगा YTA, और उसके बाद रहेगी अपनी वैगनार, वैगनार का कोड रहेगा YCA, वैगनार का कोड रहेगा YCA, नोट कर लेना गाड़ी का भी और कोड का भी। उसके बाद अपना रहेगा अल्टो K10 का, अल्टो K10 का कोड रहेगा YOM, क्या रहेगा YOM। उसके बाद हमारा रहेगा जो अपनी ब्रेजा बन रही है अपने मानेसर कार प्लांट में, ब्रेजा का कोड रहेगा YXA जो है अपनी प्लांट ए और बी में दोनों में ब्रेजा गाड़ी बन रही है। ठीक है, उसके बाद डिजायर का रहेगा YSD, डिजायर का क्या रहेगा YSD। उसके बाद इग्निस बन रही है गुड़गांव प्लांट में, इग्निस का रहेगा YJC, इग्निस का रहेगा। उसके बाद सियाज बन रही है मानेसर कार प्लांट में, सियाज का रहेगा YL1, मानेसर ए प्लांट में सियाज गाड़ी बन रही है। अर्टिका का रहेगा, अर्टिका का क्या रहेगा YHB, अर्टिका क्या है YHB, मानेसर कार प्लांट ए में अर्टिका गाड़ी बन रही है। और स्विफ्ट का रहेगा YSD, स्विफ्ट YSD11। और जो इक्को गाड़ी बन रही है गुड़गांव प्लांट में, इक्को आपको पता होगा, इक्को का है YG8, इक्को का क्या है YG8। ठीक है, अभी ये ग्रैंड विटारा का मुझे पता नहीं है, ये अभी वहां से लेना पड़ेगा। और जिमनी जो गाड़ी बन रही है इसका है YWD, जिमनी का है YWD। और XL6 का है मानेसर कार प्लांट ए में जो XL6 गाड़ी बन रही है उसका है YHC। उसके बाद अल्टो 800 का कोड है YOM। और फ्रोंक्स का बन रहा है YTB, फ्रोंक्स का क्या है YTB। उसके बाद जो इनविक्टो है वो टोयोटा बना रहा है, इसका भी पता नहीं मेरे को। उसके बाद जो सुपर कैरी है, सुपर कैरी आपने देखा होगा गुड़गांव प्लांट में सुपर कैरी बन रहा है, जैसे और कंपनी हो गए या मैजिक वगैरह जैसे हो गए लोडिंग वाले गाड़ियां जो लोडिंग उठाने के लिए रहती है वो सुपर कैरी है, काफी लोगों ने देखा नहीं है। मानेसर कार प्लांट जो SND एरिया वहां पे काफी सारी सुपर कैरी खड़ी है, ठीक है, बनती है गुड़गांव प्लांट में है। तो इसका रहेगा Y90,
सुपर कैरी का रहेगा Y9T, ध्यान रखना ठीक है। अभी अर्टिगा टोर का भी यही YSD है। जो एस्प्रेसो गाड़ी है, एस्प्रेसो गाड़ी है मानेसर कार प्लांट में असेंबली 3 में बन रही है, असेंबली जो सी प्लांट है ठीक है। एस्प्रेसो गाड़ी जो है प्लांट सी में बन रही है मानेसर कार प्लांट में, एस्प्रेसो का है Y1K और सियाज का YL1 बता दिया था मैंने। और जो पहले शिफ्ट बनती थी उसका था YN4, वो बंद होगी क्योंकि चेंजिंग होगी ना शिफ्ट की, तो इसी हिसाब से इंजन वगैरह चेंज होंगे तो उसके कोड चेंज हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो है अभी प्रेजेंट में अपना ये जो सब कोड है ये अभी चल रहे हैं ठीक है। और इनविक्टो ग्रैंड विटारा का मैं पता करके आपको बता दूंगा। और कौन कौन सी गाड़ियां कहाँ कहाँ बनती है, गुजरात में कौन कौन सी गाड़ियां बनती है, गुड़गांव में कौन कौन सी गाड़ियां बनती है, मानेसर कार प्लांट में कौन कौन सी बनती है, ये सारा का सारा डाटा मेरे पास है, आपको कल मैं दोबारा से बता दूंगा क्लियर करके ठीक है। और दोस्तों जो PDF वगैरह अभी तक दिए मैंने, अभी 4 PDF शायद आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ, PDF की तैयारी करते रहना, हो सकता है कल या परसों मैं एक और नेक्स्ट PDF डाल दूं और आप तैयारी करते रहना। अभी अपने देखो ये दो तारीख आई गई है और 15 दिन रह रहे हैं तैयारी करने के लिए, अपना तैयारी करते रहें, जो होगा वो बाद में ही होगा लेकिन अपना तैयारी करके ठीक है।